Hello fish keepers, welcome back to another video of Sid's Aquatopia. So, aaj ka video I will be setting up a shrimp aquarium. It is a nano shrimp tank. Iska dimension hai 1 feet by 1 feet iska length hai, 6 inches iska width hai and iska height hai 8 inches. So, isme pehle main contra soil aquarium soil dalunga. I will use approximately 1.5 kg aquarium soil. ये मेरे पास पहले से था. It's easily available on online and in shop. So soil को डालने के बाद इसको level out करना है. You can use just plain अपना hand use कर लेना. Otherwise you can use a aquascaping funnel. उसके through जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी. ये है इसके tongue. इसके मैं With the help of this, मैं इसको level out कर लूँगा ताकि आपका जो soil है एकदम बराबर layer पे रहे. एक बार soil layout हो जाता है, level out हो जाएगा, then इसमें आप थोड़ा सा पानी का spray कर देना. But अभी मैं पहले इसमें light लाऊँगा. ये LED light है, small aquarium light है. इसका link आपको मैं नीचे दे दूँगा. आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर like if you can like and subscribe my channel. And also so that I can keep on making videos like this. Light को यहाँ attach कर दूँगा मैं ऊपर. ये ज़्यादा voltage वाला light नहीं है. इसमें around 10 LED lights लगेगा. यानी light काफ़ी छोटे tank के लिए बहुत अच्छा glow करता है. Sufficient lighting है. Lighting generally आप एक दिन में 8 hours से 10 hours के लिए for a tank is necessary. इससे आपको plant के growth को benefit मिलेगा. So water spray मैंने कर दिया है यहाँ पे with the help of a spray can. ये driftwood मैंने Java moss को thread से attach कर दिया है. Driftwood और Java moss shrimps के लिए काफी अच्छा organic material रहता है. उनको इसमें खाने के लिए इसमें algae and bacteria मिलते रहते हैं and shrimp इसमें से algae and अपना food pick कर सकते हैं. ये lava rock पे मैंने सेम तरीके से थ्रेड से जावा मॉस को टाई कर दिया है. तो ये आप देखेंगे अच्छा लुक भी दे रहा है एंड साथ में गुड इकोसिस्टम बनाने में भी हेल्प करेगा. थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट मैं चेक कर लूँगा. अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से इसको एक्वास्केपिंग कर सकते हैं. दैट्स द बेनिफिट एक्वास्केपिंग. और ये कोकोनट शेल है जिसमें जावा मॉस और लगा था और उसमें मैंने ड्रिल करके ये लोटस पॉड है जो कि ऑनलाइन आपको मिल जाता है. लोटस का ड्राई पॉड है. उसको मैंने कुछ दिन तक पानी में भिगा दिया था ताकि वो अच्छा से अब्सॉर्ब हो सके. सो कोकोनट शेल यू कैन आल्सो गेट इट ऑनलाइन. एक बार ये तीनों मैंने प्लांट लगा दिए. ये सब जावा मॉस इसलिए कि मैंने पहले भी श्रिम्प टैंक रखा है. उसमें श्रिम्प्स जावा मॉस से बढ़िया छुपने का, उनके बेबी फ्राइज को छुपने के लिए अच्छा जगह मिल जाता है एंड वो खाने के लिए इससे मिलते रहता है. अब है प्लांट्स लगाने का. ये ड्वार्फ हेयर ग्रास है. हेयर ग्रास मैंने अभी प्लांट करना है इसमें ताकि बस अच्छा बराबर सेम लेयर पे मैं प्लांट करते रहूँगा. वीडियो था फास्ट फॉरवर्ड है. यू कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लांटेशन. एक बार सारे हेयर ग्रास प्लांट हो गए तो साथ में ये पीछे बैकग्राउंड में कुछ प्लांट्स मैंने लगाए हैं. प्लांट्स का नेम मैं चेक करके आपको मेंशन कर दूंगा नीचे. प्लांट्स के साथ में रॉक भी है ताकि उसको होल्ड करने का सही जगह मिलता है. मैं इसका एस्थेटिक लुक भी बना रहा हूँ एंड इससे क्या है कि टैंक में श्रिम्प टैंक का मेन पर्पज़ ये होता है कि उसमें आप अच्छा हाइडिंग स्पेसेस उनके लिए दें, उनको ग्रो उनके श्रिम्प्स एंड उनके बेबीज को ग्रो करने के लिए भी मौका मिले एंड साथ में एल्गी ग्रोथ जितना ज़्यादा होगा प्लांट्स में एल्गी ग्रोथ होता रहता है लाइट्स के हेल्प से तो और अच्छा रहता है. अब नेक्स्ट है पानी इसमें डालने का. तो पानी के लिए हमें मेन ये करना है कि जो सॉइल है वो ख़राब ना हो या जो हमने सेटअप ये खराब ना हो. तो एक प्लास्टिक बैग और उसके ऊपर मैंने कैप छोटा सा प्लास्टिक का कप रखा है और इसे पानी में स्लोली स्लोली पोर करते रहूँगा. एक बार और कपड़े से जो पानी गिरता है वो मैं साफ कर देता हूँ. पानी एक बार जब सारा इसमें फिल हो जाएगा उसके बाद इसमें मेडिसिन एंड कंडीशनर एंड इसमें फिल्टर लगाऊंगा. तो पानी इसमें मैंने पोर कर दिया ऊपर तक पूरा एंड मैंने वापस से एक्वेरियम रैक से इसको जरा सॉइल को बराबर कर दूंगा. अभी कोकोनट पॉड थोड़ा सा ऊपर फ्लोट कर जा रहा है क्योंकि इसमें लोटस पॉड है
तो उसके लिए मैं थोड़ा तो पुश कर दूंगा, उसमें बबल्स निकाल दूंगा सारा घुमा के। एंड सोना पुश करने के बाद इसमें अच्छा सा जगह बन गया। एंड थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा अपना एक्वेरियम टैंक को। इसमें प्लकर जो ट्वीजर्स होते हैं उसका जगह नहीं हो पा रहा, तो लेट्स सी लेट मैनेज एंड ट्राई इसमें कैसे करना है। तो ये एक्वेरियम का पूरा सेटअप हो गया है। अभी थोड़ा सा पानी गंदा है, मर्की सा दिखेगा आपको, कई सारे पार्टिकल्स एंड छोटे पत्ते फ्लोट कर रहे हैं। तो कुछ टाइम के बाद मैं फिल्टर भी लगाऊंगा। एंड आपको हर रोज मैं 25 से 50% वाटर चेंज करके रिसाइकल करूंगा, क्योंकि इसमें श्रिम्प इंट्रोडक्शन से पहले से रिसाइकल करना जरूरी है। ये हैंग ऑन फिल्टर मैंने लगा दिया और ये 2 दिन के बाद का पानी देख रहे हैं कितना क्लियर हो गया है। इट्स वेरी गुड। मैंने इसमें फ्लोटिंग प्लांट भी डाला है, ये फ्रॉग बिट करके फ्लोटिंग प्लांट है, तो सब सेट हो गया। एंड ये आफ्टर 1 वीक का है। मैंने फिल्टर थोड़ा चेंज कर दिया था क्योंकि इसमें ऑयल लगा और श्रिम्प इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसमें जबरा बाबुल थी और इलेक्ट्रिक ब्लू श्रिम्प है, तो ये 2 वैरायटी ऑफ श्रिम्प मैंने इसमें डाला है। ऐसी वीडियो में और बनाता रहूँगा। ये आज का वीडियो था फॉर नैनो श्रिम्प टैंक। थैंक यू।